सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति शमन्विते भैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें, होली का पावन पर्व आने वाला है और इस होली के पावन पर्व पर बहुत से भक्तों के फोन आ रहे हैं, गुरुदेव होली का पूजन कैसे करना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करते हैं, कैसे करें होलिका का पूजन। होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में हम आपसे बात करते हैं। होलिका दहन से पहले होली की पूजा की जाती है। इस पूजा को करते समय पूजा करने वाले व्यक्ति को होलिका के पास जाकर के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजा करने के लिए निम्न प्रकार की सामग्रियों को भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। एक लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, मूंग, बतासे, नारियल आदि का प्रयोग इस पूजा में किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम नई फसलों का, धान्य का भी प्रयोग इस पूजा में, जैसे बालियां हो गई, चने की बालियां, गेहूं की बालियां, इस तरह से भी हम उनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद होलिका के पास गोबर से बनी हुई ढाल और अन्य खिलौने रख दिए जाते हैं। अब होलिका दहन मुहूर्त समय में जल, मौली, गुलाब तथा गुड़ आदि से होलिका का पूजन करना चाहिए। गोबर से बनी हुई ढाल और खिलौने की चार मालाएं अलग से घर से ला करके सुरक्षित कर लेनी चाहिए। इसमें से एक माला पितरों के नाम से, दूसरी माला हनुमान जी के नाम से होती है, तीसरी माला शीतला माता के नाम से होती है और चौथी अपने घर परिवार के नाम से होती है। तो इस तरह से होलिका में हमको ये वस्तुएँ डाल करके पूजन करना चाहिए। अब करना क्या है कि कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3-7 परिक्रमा लगाते हुए लपेटना चाहिए। फिर लोटे का जल, अन्य पूजन सामग्री, वस्तुओं को एक एक करके होलिका में समर्पित करना चाहिए। रोली, अक्षत, पुष्प को भी पूजन के प्रयोग में लाया जाता है। गंध पुष्प का प्रयोग करते समय पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन किया जाता है और पूजन के बाद जल से अर्घ दिया जाता है। होलिका के पास जल छोड़ा जाता है। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में होलिका में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसमें अग्नि प्रज्वलित होते ही डंडे को बाहर निकाल लिया जाता है। सार्वजनिक होली में अग्नि लगा करके घर में बनाई गई होली अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अंत में सभी पुरुष होली में जो रोली का टीका होता है उसको लगाते हैं, महिलाएँ गीत गाती और बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। सेक इस तरह से हम सभी लोग निरोगी होते हैं और जो सेक करके वहाँ से धान्य, गेहूँ, चने इत्यादि लाए जाते हैं, उससे क्या होता है, बोले निरोगी रहने की मान्यता प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि होली की बची हुई अग्नि और राख को अगले दिन प्रातः घर में लाने से घर को अशुभ और समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। इस राख को शरीर पर लेपन भी किया जाता है। राख का लेपन करते समय निम्न मंत्रों का जप भी कल्याणकारी होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बंत्रिताशी सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा संकरेशचा अतस्त्वां पाहि मा देवी भूति भूति प्रदा भव, इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। उस जो वहाँ से उठा करके हम लाए हैं उसको शरीर पर लगा करके बच्चों इत्यादि को स्नान भी कराना चाहिए। तो ये हमने आपको बताया होलिका का पूजन हमको कैसे करना चाहिए। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता।